हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन का रिवीजन सेशन। इस रिवीजन सेशन के अंदर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। ओके, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मींस व्हाट? उसके अंदर जो भी इंटीग्रेशन के सम आए मैं यहाँ पे सब वो डिस्कस करूंगा। सो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा 2013 मार्च से लेकर 2020 मार्च तक। ठीक है, सो बहुत कुछ आपको यहाँ जानने मिलेगा, सो देखते रहिए। सो लेट स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8। ठीक है, अब आपको देखते ही पता चल गया होगा यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे थर्ड टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं। सो इसे कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, यहाँ पे थर्ड टर्म क्या होगी, मे बी 4 प्लस 4 और माइनस 4 हम ऐड करते हैं। ठीक है, सो ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन ये तीनों क्या बन जाएगा, एक्स प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये तीनों क्या बन जाएगी, x प्लस 2 का स्क्वायर और ये 8 माइनस 4 4 दैट इज 2 का स्क्वायर dx। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx दैट इज 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। ठीक है, सो देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर देयर फोर 1 अपॉन ए दैट इज 1 अपॉन 2 टैन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ठीक है, सो आपको इस तरह से एग्जाम में लिखना होगा विथ दिस फॉर्मूला। ये कैसे आया, ये फॉर्मूला यहां होगा लाइक दिस, ये ब्रैकेट के अंदर। नेक्स्ट वन, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर टैन इनवर्स एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स रेस टू 6। अब आपको देखते ही पता चल गया होगा ये भी एग्जाम्पल सब्सटीट्यूशन का है। सब्सटीट्यूशन के अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी एक को टी पुट करते हैं और उसके उसका डेरिवेटिव लेके अदर टर्म को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आपको क्या टी लेना होगा, आपको यहाँ पे टी लेना होगा टैन इनवर्स एक्स क्यूब को, अगर आपने यहाँ पे टी पुट किया तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज 1 अपॉन एक्स क्यूब का स्क्वायर और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। ओके, अब ये 3 को मैं वहां भेज देता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब का स्क्वायर दैट इज एक्स रेस टू 6 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाय 3। देयरफॉर देखो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स रेस टू 6 डी एक्स की वैल्यू क्या आई, डी टी बाय 3। देयरफॉर इंटीग्रेशन, लेकिन टैन इनवर्स एक्स क्यूब क्या था, टी, ये डी टी बाय 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन टी डी टी। टी का इंटीग्रेशन क्या आता है, टी स्क्वायर बाय 2 प्लस 3। देयरफॉर टी स्क्वायर 3 टू द 6 प्लस 3। ओके, टी की वैल्यू क्या थी, टैन इनवर्स एक्स क्यूब होल स्क्वायर बाय 6 ओके प्लस सी। ठीक है, सो नेक्स्ट वन, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन 9x स्क्वायर प्लस 1। देखो इस तरह के सम्स में हम क्या करते हैं, अगर पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता तो हम उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट करते, अदरवाइज अगर छोटा सा ही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन छोटा सा ही है, पूरा नहीं है, तो हम क्या करते हैं वहां पे ये वाला फॉर्मूला लगाने की कोशिश करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से 9 कॉमन ले लो क्योंकि यहाँ पे x का कोई कोएफिशिएंट नहीं है, सो 1 अपॉन 9 इंटीग्रेशन डी एक्स, यहाँ से 9 अगर कॉमन ले लिया ये हो जाएगा 1/9। ठीक है, 1/9 को आप कैसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 होल स्क्वायर। ठीक है, देखो ये फॉर्मूला बनाया नहीं, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ए टैन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ठीक है, सो यहाँ पे 1 अपॉन 9 एज इट इज, 1 अपॉन ए मीन्स वॉट, 1 अपॉन 1/3 टैन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी, लेकिन आपको थोड़ा इसको है ना मॉडिफाई करके लिखना होगा, सो ये हो जाएगा 1/3 टैन इनवर्स 3x प्लस सी। ठीक है, इस तरह। नेक्स्ट वन, इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स ई रेस टू एक्स डी एक्स। तो ये एग्जाम्पल बनता है सब्सटीट्यूशन का,
क्योंकि यहाँ से दो से ज्यादा फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक्स ई रेस टू एक्स को टी पुट करता हूँ, सो अगेन टेकिंग डेरिवेटिव के बाद क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ठीक है। यहाँ से ई रेस टू एक्स कॉमन ले लो, यहाँ पे बच जाएगा वन प्लस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। देखो ई रेस टू एक्स वन प्लस एक्स डी एक्स ये निकल जाएगा ना, इसके आंसर क्या आ जाएगा डी टी, देयरफॉर डी टी अपॉन कॉस स्क्वायर, लेकिन एक्स ई रेस टू एक्स की वैल्यू क्या है टी, ये कॉस स्क्वायर को ऊपर लेके जाओ तो ये हो जाएगा सेक्स स्क्वायर टी डी टी। सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आता है सबको पता है, टैन, दैट इज टैन टी प्लस सी, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी, टैन एक्स ई रेस टू एक्स प्लस सी, ठीक। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन, इंटीग्रेशन एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स प्लस फोर होल स्क्वायर, ठीक है। आई थिंक ये सम मिस्टेक फ्रॉम ई रेस टू एक्स डी एक्स, ओके। अब एक बात का ध्यान रखो, जब कभी ई रेस टू एक्स का टर्म मल्टीप्लाई हो जाती है ना, तो आपको क्या करना है इसके बारे में सोचना है, ई रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाता है ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इसके बारे में सोचना चाहिए। अब देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये थ्री को है ना ऐसे लिखता हूँ एक्स प्लस फोर माइनस वन, चलेगा, अल्टीमेटली बात तो एक ही बनने वाली है। देखो तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये हो जाएगा एक्स प्लस फोर को मैं एक ब्रैकेट में ले लेता हूँ, माइनस वन को अलग रख दे देता हूँ, सो एक्स प्लस फोर होल स्क्वायर। चलो न्यूमरेटर को सेपरेट करो तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स प्लस फोर अपॉन एक्स प्लस फोर होल स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स प्लस फोर होल स्क्वायर एंटायर ई रेस टू एक्स डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे ई रेस टू एक्स को स्टार्टिंग में लिखता हूँ बिकॉज इन अ फॉर्मूला वो स्टार्टिंग में है, तो यहाँ पे क्या बचेगा वन अपॉन एक्स प्लस फोर क्या, मुझे एक बात बताओ वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो अगर यहाँ पे मैं एक्स प्लस फोर को डेरिवेटिव ले लूँ तो क्या यही आएगा, निकाल के देखो, ठीक है, यही आएगा, ओके। देयरफॉर इसका आंसर क्या आ जाएगा, ई रेस टू एक्स एक्स प्लस फोर। आपको बस फॉर्मूला लर्न होने चाहिए, ठीक है। ये फंक्शन एफ, ये इसका डेरिवेटिव एफ डैश, देखो इस तरह थोड़ा सोचना है आपको, बाकी कुछ नहीं, फॉर्मूले लर्न करो, इजीली पेपर क्रैक कर जाओगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।